ग्वालियर चंबल संभाग में कैसे होंगे राजनीतिक समीकरण, इस पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के साथ खास बातचीत की वीएनएन ने, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, 24 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसकी तैयारियां जोरों शोरों से दोनों पार्टियां कर रही हैं। हमारे साथ में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा जी हैं, जिनसे बात करेंगे कि भाजपा किस तरह की रणनीति अब आगे तैयार कर रही है। देखिए, चुनाव तो चुनाव है, लेकिन इस बार का चुनाव उसकी पद्धति बदली होगी। अब सभाएं, छोटी सभा, बड़ी सभा, ये कोरोना की मार से प्रभावित चुनाव होगा। ये सोशल मीडिया पर आधारित होगा, हॉल या रूम्स मीटिंग के आधार पर होगा। बावजूद इसके डोर टू डोर भी जाना पड़ेगा। हमारी तैयारी है, सारे नेता, प्रभारी, सह प्रभारी, विस्तारक, तमाम सारे लेयर्स पर कार्यकर्ता लग गए हैं, गांव गांव जा रहे हैं, घूम रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमें लगता है कि जो माहौल है, अब चुनाव जो है जाएगा, शिवराज चाहिए या कमलनाथ चाहिए, दो में से एक ही बात होगी। 24 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल से हैं, और ग्वालियर चंबल में वैसे भी कहते थे कि राजनीति जो है सिंधिया घराने से शुरुआत होती है, चाहे भाजपा की ले लें या कांग्रेस की। इस समय तो जो कांग्रेस में जो सिंधिया घराना था वो भी भाजपा में है, तो क्या लगता है कि इस चीज का पूरा फायदा, क्योंकि कैंडिडेट भी वही हैं जो कांग्रेस में थे, मिलेगा? अब कांग्रेस नहीं कह सकते उसको आप, वो भाजपा में आ गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा के कार्यकर्ता और नेता हैं, सांसद भी हो गए, इसलिए कांग्रेस उन पर ही आधारित राजनीति करती थी ग्वालियर चंबल संभाग में। और जब मुखिया ही आ गया तो सारे लोग आ जाएंगे अपने आप। इसलिए अब कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग में बची नहीं, इक्के दुक्के 10-5 लोग होंगे तो होंगे, लेकिन सारे लोग अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होंगे। लोगों की निगाहें भी, पूरे देश भर की निगाहें भी मध्य प्रदेश को इन उपचुनावों पर हैं, क्योंकि 22 बागी विधायक बहुत बड़ी एक गिनती रखते हैं, और इस बार वो ग्वालियर चंबल भी है जो 16 सीटें सरकार को देगा अगर जीत के आते हैं, वही विधायक हैं। लेकिन कुछ अभी इस तरह की राजनीति चली, जैसे गिरिराज डंडोतिया को आज सभा में लोगों ने ही उनको प्रत्युत्तर दिया है, तो ऐसी अगर वो पब्लिक के बीच जाते हैं तो इस तरह की चीजों का भी सामना करना पड़ेगा। देखिए, चाहे जो होगा, लेकिन चुनाव तो चुनाव है, जनता प्यार भी करती है, जनता सवाल भी करेगी, लेकिन कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग में अब पूरी तरह से, नरेंद्र सिंह जी तोमर है हमारे नेता हैं, विवेक सिजवल का हमारे सांसद है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कल तक हम उनसे लड़ते थे, अब वो हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के लिए लड़ेंगे। इसलिए माहौल पूरा बदल गया, और अब कांग्रेस सिर्फ लड़ाई कर सकती है, बात तो कर सकती है, लेकिन जमीन पर, धरातल पर उसके पास अब कुछ भी नहीं है। आप भी उसी एरिया से आते हैं, ग्वालियर चंबल संभाग से ही आपकी राजनीति वहीं पर है, तो अब आगे जिस तरह की का माहौल कांग्रेस क्रिएट कर रही है, आज रैली निकाली है पेट्रोल और डीजल के भाव को लेके, तो इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, राजनीति में जनता के बीच में यह विश्वास है कि गरीबों का नेता कौन? शिवराज सिंह चौहान। अमीरों का नेता कौन? उद्योगपतियों का नेता कौन? नेता कम, उद्योगपति ज्यादा कौन? भाई कमलनाथ जी। 1.5 साल लोगों ने देख लिया उनको, हाय तौबा मची थी पूरे प्रदेश में, बेरोजगार भत्ता नहीं, किसानों को जो वादे किए थे, अपने ही वचन पत्र को वचन भंग किया कमलनाथ जी ने। और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कॉज के लिए गए ना भाई, हमारे वचन पत्र में जो बातें उसको पूरी तो करो। भाजपा संकल्प पत्र तैयार कर रही है, कौन कौन सी चीजें रख रहे हैं? नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र बनाएगी। अभी तो मैंने आपको कहा ना, ये चुनाव सीधी तरह से है शिवराज वर्सेस कमलनाथ, और लोगों ने 13.5 साल देखा है
गरीबों के मसीहा शिवराज सिंह चौहान को और दूसरी तरफ देखा है किसको, कमलनाथ जी को। इसलिए ये चुनाव उन्हीं के बीच में है। बात रही ग्वालियर चंबल संभाग, अपने आप में समझदार संभाग है, जानते हैं लोग किसके हाथ में सौंपना है मध्य प्रदेश, और इसलिए स्पष्टता है कि 16 की 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की भारतीय जनता पार्टी जीतने की कोशिश करेगी। मैंने पहले कहा आपको, चारों लोकसभा हमारे पास है। और आप तो माननीय ज्योतिरादित्य जी भाजपा के गए, अच्छे कार्यकर्ता नेता बन गए, तो इसलिए अब हमें कोई चिंता नहीं। हम तो गांव गांव शिवराज जी के साथ, नरेंद्र सिंह जी के साथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सब लोग नीचे तक घूमेंगे, और मुझे भरोसा है एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी। कोरोना काल में सरकार बनी, बड़े संकट के समय में थी, और लेकिन 5 मंत्रियों का मंत्रिमंडल भी बना, तारीख पे तारीख विस्तार नहीं हो पा रहा, क्या वजह है? आप सब ऐसे ही सवाल करते रहे, तो आप पहले क्या कहती थी कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बन रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट ही तो, हमारे यहाँ ये सब बातें नहीं, सब अपने हिसाब, संगठन है ना, ये एक दिन का मामला नहीं है। सब जगह की बातें, सबकी समझाई, सबको समझाना, सबसे बातचीत करना, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है संगठन से बात करना, सबसे बातचीत करके एक निचोड़ पर पहुंचेंगे, केंद्र से चर्चा करके घोषणा करेंगे, मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। हमारे यहाँ इन सब चीज बातों की नहीं है, हम सब प्रेम से ही सब काम करते हैं। तो जनता इंतजार कर रही है, जल्द हो जाएगा। जनता का कोई काम नहीं रुक रहा है, होना चाहिए मंत्रिमंडल का विस्तार, लेकिन जनता के लिए तो 23 तारीख की रात से शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य सोए नहीं है, 2 घंटे 5 घंटे 7 घंटे कोरोना की मार से करा रहा है इंदौर और भोपाल, दोनों को अपने काबू में रखा है सरकार ने, एक भी गरीब को रोने नहीं दिया। बाहर के प्रवासी हमारे लोग आए तो उनके पैरों के चप्पल से लेकर सब चीज की चिंता की गई, सबको बसों से उनके घर भेजने की कोशिश की गई, उनके राज्य में भेजने की कोशिश की गई। जो सुन, और मैं कभी कभी कल्पना करता हूं अगर कमलनाथ जी होते तो क्या होता, वो तो आईफा की मीटिंग करा रहे थे, उनको सुधी नहीं थी, एक बैठक नहीं की कमलनाथ जी ने। इसलिए जनता का भरोसा, देखिए हमने जनता का भरोसा जीता है भारतीय जनता पार्टी ने, और भरोसा टूटा नहीं, 1.5 साल में भरोसा टूट गया कमलनाथ जी पर। तो ये थे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा जी, जिनका कहना है कि जनता का भरोसा आज भी भाजपा पर है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में भारतीय जनता अच्छे वोटों से अच्छी सीटें लेकर आएगी। डीएनएन के लिए कैमरामैन सईद खान के साथ अनुपमा सिंह।